Now see, in question number 4 they are telling the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Okay, they have given the relation. So first of all, solution, what they are telling, diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. अब diameter हम d लिखते हैं, but क्योंकि हमें पहले comparison जो उसका करना है वो fraction of the volume के form में करना है, means we have to use the formula of volume also. So diameter तो हम लिखेंगे, but we will write the diameter with respect to radius. Okay, so given condition क्या अपन लिख देते हैं, let diameter of the moon is equals to 2r, small r लिख रही हूँ मैं, 2r, okay, and diameter of the earth is equals to 2r, capital 2r कर दिया. Now in question what they are telling, अब क्वेश्चन देखेंगे, ये जनरल अजम्पशन है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे हैव रिटन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो डायमीटर ऑफ द अर्थ अपन ने कितना ले रखा है, 2r डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो जो डायमीटर है ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2r, मीन्स डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर अपन ने 2r लिया था. ओके, वी कैन कैंसिल हियर वनजा और क्या हो गया 2. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून किसके इक्वल हो जाएगा, r अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जो ये क्वेश्चन है तो वी विल बी यूजिंग दिस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून. अब यहां बोल रहे हैं कि अर्थ का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून के बराबर है. तो पहले अपन लिखते हैं यहां पे, ओके, एवरीबॉडी इज एबल टू सी, वी विल राइट द वॉल्यूम ऑफ, look here, we will write volume of moon. Volume of moon का formula क्या होगा, 4/3πr³. okay, जो general formula है अपना, जो normal formula है उसमें r cube. अब आर क्यूब को कंफ्यूज मत होना, ओके, यहाँ पे आर क्यूब मतलब क्या हुआ, रेडियस का क्यूब. आई एम राइटिंग फुल ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. अब यहाँ पे रेडियस मून का ही आएगा, मून का रेडियस जो हमने अर्थ के फॉर्म में लिया है हम वो ले लीजिए. जैसे डायमीटर ऑफ मून अगर आ रहा है आर अपॉन 2, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बिकम एज 4/3π, तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पे रेडियस तो r/2 है, और अगर इसको ये r/2 अपना डायमीटर है और हम इसको अगर रेडियस में बदलेंगे तो इट विल बिकम 1/2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रेडियस जो ये डायमीटर आ रहा है, डायमीटर ऑफ मून अपना कितना आ रहा है, r/2 आ रहा है. अगर हम इसको और हाफ करेंगे तो वी विल गेट द रेडियस ऑफ द मून, किसके टर्म में, अर्थ के टर्म में, तो r/2 × 1/2. अब हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 × π,
अब इसको क्यूब कर लेते हैं, तो ये आर का क्यूब हो गया अपॉन में टू, टू सा कितना होता है फोर, और फोर का क्यूब करेंगे तो फोर का अगर आप क्यूब करेंगे तो इट विल कम 64। क्लियर? इट विल नाउ आई विल रीशफल या रीअरेंज देम, मैं इनको प्रॉपरली अरेंज करती हूँ तो व्हाट इट विल बिकम इफ वी विल अरेंज देम प्रॉपरली, यू कैन सी दैट साइड में देखिएगा आई एम शिफ्टिंग इट टू लिटिल बिट साइड यहाँ, ठीक हियर द व्हाट इट विल बी ये जो 64 यहाँ पर जो 64 लिखा है दिस 64 आई एम ब्रिंगिंग फ्रंट एंड ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 4/3 इंटू पाई और बचा आर क्यूब। अब ध्यान से देखें ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब अपन ने अर्थ का लिया था, दैट मीन्स इट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो 1/64 इंटू इसकी जगह क्या लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यू विल गेट द आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ओके तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दस लास्ट लाइन यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ओके ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड दिस हाउ यू विल गेट द आंसर। क्लियर?